कंठ के इलाके मोहल्ला नसीराबाद उमरी कला निवासी इदरीश ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का काम करता है। उसके चार बच्चे हैं जिसमें दो बेटे और दो बेटियां हैं। चार भाई बहनों में बीच का 7 साल का हसन गत 3 दिन पूर्व घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद मैदान में खेलने गया था। देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा उसकी तलाश शुरू की गई। अगले दिन पुलिस को सूचना देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद अब गुमशुदगी को अपहरण की धाराओं में तब्दील कर दिया गया है। आज सुबह भी कांठ पुलिस इदरीश के घर पहुंची और इदरीश को बुलाकर साथ ले गई ताकि जिन लोगों पर शक है उनसे इदरीश के सामने पूछताछ की जा सके। मासूम हसन का अपहरण हो जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लापता हसन के नाना ने बताया, बच्चे को सभी रिश्तेदारों के साथ साथ उसके दोस्तों के घरों में भी तलाश किया जा चुका है, लेकिन अब तक परिवार के साथ पुलिस को हसन का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। मेरा बेटा हसन उसका नाम है, 3 दिन से लापता है। वो किसी लड़के को देखने गया था, फ्लोटिंग में गेंद बल्ला खेलते थे बच्चे। एक साल पहले भी गायब कर लिया था तो उसकी माँ लाई थी वहीं से, जिसका नाम हम ले रहे थे। उसका नाम है छोटे और अब हमें शक एक मोबीना पे है और एक राशिद है और एक छोटे उनकी वल्दियत है दौलत शाह छोटे की और उसकी राशिद की वल्दियत है दौलत शाह। दोनों भाई भाई हैं ये, और एक हमारी भावज है मोबीना।